में आपको सिंक ब्रेक मिल जाते हैं, मतलब आप आगे वाला ब्रेक दबाएंगे तो पीछे वाला अपने आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई होने लग जाता है। अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी को कंपेयर करूं पहले वाले जुपिटर से, तो वो मुझे ज्यादा रिफाइन लगता था उसका इंजन, वहां पे आपको वाइब्रेशंस बहुत ही मिनिमल देखने को मिलती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूँ NBT ऑटो में। दोस्तों आज मेरे साथ है TVS का जुपिटर 125, जिसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट के फीचर्स मिल जाते हैं। तो जब आप एक स्कूटर पे लगभग 97,000 रुपए की एक शोरूम कीमत खर्चते हैं, तो आपको क्या राइड क्वालिटी मिलती है, कैसा सब कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये स्कूटर खरीदना आपके लिए कितना वर्थ इट साबित हो सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस जुपिटर 125 के साथ। फ्रंट से जब आप जुपिटर 125 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया और एक कम्यूटर स्कूटर वाला आपको डिजाइन मिल जाएगा, जो आपको डेली यूज में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इसकी रोड प्रेजेंस भी फ्रंट से काफी बेहतरीन लगती है। बाकी आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, नीचे आपको DRLs मिल जाते हैं और आपको हेलोजन सेटअप वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, क्रोम का बीच में इस्तेमाल मिलता है और कलर ऑप्शन भी आपको काफी अच्छे इस स्कूटर में देखने को मिलते हैं। बाकी नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे आपको टायर्स मिलते हैं 12 इंच के, और साथ ही में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। अब साइड से देखेंगे स्कूटर को तो साइड से भी काफी ज्यादा लेंथी ये लगेगा स्कूटर, अच्छा खासा व्हील बेस मिल जाता है और इस स्कूटर में आपको अच्छी खासी लंबी सीट भी मिल जाती है, जो कि आपको अच्छा खासा स्पेस दोनों ही राइडर और पिलियन के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा स्पेस ऑफर करता है। स्टोरेज स्पेस की बात की जाए तो आगे की तरफ आपको 2 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपनी बॉटल वगैरह आराम से स्टोर कर सकते हैं और आपको फ्यूल टैंक का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आगे की तरफ ही सामने आपको लेग स्पेस के आगे ही देखने को मिलता है, और इस स्कूटर में मिलती है आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी अगर मैं लेगरूम की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा लेगरूम मिल जाता है आपको और आपको अच्छी खासी इसमें 33 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी जब साइड से आप इसका डिजाइन देखेंगे तो साइड से काफी बेहतरीन और सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्ट डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल इसके लुक को काफी ज्यादा एनहांस और क्लासी बना देता है, और साथ में आपको क्रोम का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब आप स्कूटर को रेयर से देखेंगे तो रेयर से भी ये उतना ही क्लासी लगता है जितना फ्रंट से और साइड से देखने में लगता है। बाकी टेल लैंप में आपको हेलोजन सेटअप वाला सिस्टम मिल जाएगा इसमें, और अब इसमें आपको अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कनेक्ट फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही में अच्छा खासा यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको और नीचे की तरफ मिलता है आपको USB Type-C पोर्ट। तो ये थी सारी बातें इसके डिजाइन और फीचर्स को लेके, अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी राइड को और आपको बताते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में सब कुछ। तो अब मैं चलाना शुरू कर चुका हूं इस जुपिटर 125 को, और सबसे पहले बात करूं इसके थ्रॉटल रिस्पांस की और इंजन की, तो यहां पे आपको 125cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको 8 PS की पावर देता है और 10.5 Nm का टॉर्क देता है। बाकी जब आप थ्रॉटल देते हैं तो वहां पे इसमें आपको पुश तो अच्छा खासा मिल जाता है, बट हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है आपकी राइडिंग के दौरान। बाकी अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी को कंपेयर करूं पहले वाले जुपिटर से, तो वो मुझे ज्यादा रिफाइन लगता था उसका इंजन, वहां पे आपको वाइब्रेशंस बहुत ही मिनिमल देखने को मिलती थी, पर इस वाले स्कूटर को जब से मैंने चलाना शुरू किया है तो मुझे हर बार एक व्हील स्पिन के साथ यहाँ पे एक वाइब्रेशन महसूस होती है, जो कि कई बार मुझे अच्छी नहीं लगती है। ब्रेकिंग वगैरह की बात की जाए तो इसमें आपको सिंक ब्रेक मिल जाते हैं, मतलब आप आगे वाला ब्रेक दबाएंगे तो पीछे वाला अपने आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई होने लग जाता है। इससे फायदा ये मिलता है आपको कि आपकी स्कूटर जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाती है, डिस्टेंस कम लेती है रुकने में। बाकी ब्रेकिंग वगैरह काफी अच्छी है स्कूटर की, ओवरऑल अगर रेटिंग देना चाहूं मैं अगर तो काफी अच्छी रेटिंग करूंगा मैं इसकी। सस्पेंशन सेटअप वगैरह की बात की जाए तो आगे आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि थोड़े से स्टिफर साइड पे हैं, जिसके कारण आपको क्या होता है कि गड्ढे वगैरह से जब आप निकलेंगे तो काफी ज्यादा फायदा मिलता है। बट पीछे वाले सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा आपको सॉफ्टर साइड पे मिलता है, जिसके कारण थोड़ी सी राइड जो है आपकी वो थोड़ी सी बम्पी हो जाती है। एंड अगर मैं इसके कॉर्नरिंग वगैरह को लेके बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण आपकी कॉर्नरिंग वगैरह काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप स्कूटर को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में चलाएंगे, या फिर आप जब ऐसे भीड़ भाड़ वाले छोटे मार्केट वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पे भी काफी आराम से आप स्कूटर को निकाल पाएंगे। अगर पिलियन के कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्टेबल रहता है ये पिलियन के हिसाब से भी, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे सीट में लेंथ मिलती है आपको, जो कि अच्छा खासा स्पेस दे देती है। और राइड क्वालिटी के हिसाब से बात की जाए तो मैंने जितना स्कूटर को चलाया है मुझे कहीं पे भी ऐसा ज्यादा
फटीग वगैरह महसूस नहीं हुआ है अभी तक। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि आपको स्कूटर खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर कीमत की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस स्कूटर में आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं। इसका बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होती है लगभग 86,000 रुपए से और इसकी जो कीमत है वो लगभग जाती है 97,000 रुपए तक। बाकी अगर मैं इसके राइड क्वालिटी वगैरह को देखूं और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए कि ये स्कूटर खरीदना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा कि रिलायबल प्रोडक्ट है ये। 9-10 साल से इंडियन मार्केट में रोड्स पे देखने को मिलता है और एक्टिवा के बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ रोड पे देखने को मिलता है तो वो है टीवीएस का जुपिटर। और इस स्कूटर में कुछ खास बातें हैं कि आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है और टीवीएस की जो सर्विस कॉस्ट वगैरह भी पड़ती है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहती है। बाकी अगर आप एक ऐसा स्कूटर खोज रहे हैं जिसमें आपको बेहतरीन इंजन रिक्वायरमेंट मिले तो शायद आप स्कूटर को खरीद के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मिस ना कर सकें।